हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आप देख रहे हो एक मास्टर पॉइंट। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो अपने आईफोन में आपकी जीमेल आईडी होगी तो जीमेल आईडी का आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो सिंपली आपको कैसे करना है, तो कोई भी एक ऐसी एप्लीकेशन ओपन कर लेना है जिसमें जीमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर यूट्यूब ओपन किया है, एंड यूट्यूब ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको किस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाती है, आपकी जीमेल आईडी भी देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर अगर आप स्विच पर क्लिक करते हो तो आपकी दो आईडी होगी या तीन आईडी होगी, जो भी आपको होगी, जो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो कि एक ऑप्शन मिल रहा है एक्ट्रॉन ऑन एंगेजोटो टैब, एंड यहाँ पर आपको स्विच है, एंड बीच में आपको देखने को मिल जाता है गूगल अकाउंट। सिंपली गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे आप गूगल अकाउंट पर क्लिक करते हो तो नीचे स्क्रॉल करके नहीं जाना है, आपको एक साइड पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, डाटा एंड प्राइवेसी मिल जाती है, एंड यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिल जाता है। सिक्योरिटी पर आपको क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करके जाना है, एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पासवर्ड का, लास्ट चेंज 16 अप्रैल 2021 को किया था मैंने, यानी कि क्रिएट किया था लगभग तब का ही है। तो सिंपली आपको पासवर्ड पर क्लिक करना है, एंड पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपका जो पासवर्ड फ़िलहाल की स्थिति में जो पासवर्ड है ना वो डाल देना है। ठीक है, तो जो पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। पासवर्ड डालने के बाद तो सिंपली आपको एक नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद, तो आपको नया पासवर्ड को सेव कर देना है। इस तरीके से आपका जो पासवर्ड होगा ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अपने पासवर्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करने वाला, मुझे कोई शौक नहीं है चेंज करने का। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।